एक सर्वे में ये प्रूव हुआ कि किसी को भी समझने वाले शब्दों में पहला शब्द ओके है तो दूसरा कोको कोला ही है। कोको कोला पहले जॉन्स पेम्बर्टन नामक एक फार्मासिस्ट ने पहली बार 1886 में बनाया था। दरअसल जॉन्स पेम्बर्टन ने 1885 में ही कोको कोला वाइनस नामक एक ड्रिंक बनाया था, लेकिन अमेरिका के स्ट्रिक्ट अल्कोहल रूल्स के कारण ये अल्कोहलिक ड्रिंक बनाना बंद कर दिया। बाद में एक रिफ्रेशिंग ड्रिंक बनाया और उसका नाम कोको कोला दिया। पहले कोको कोला जॉर्जिया में सिर्फ 9 ग्लासेस पर डे ही बिकने से अपना बिजनेस को बढ़ाने के लिए पेम्बर्टन और एक फार्मासिस्ट ग्रिस कैंडलर की मदद मांगी। फिर ग्रिस कैंडलर कंपनी में इन्वेस्ट करने के बाद भी ज़्यादा प्रॉफिट नहीं आया तो भी लॉस भी नहीं आया था। उस समय जॉन पेम्बर्टन अपना शेयर और कोको कोला का एक्सक्लूसिव राइट्स भी ग्रिस कैंडलर को बेच दिया। बाद में ग्रिस कैंडलर अपना फार्मेसी बंद कर कोको कोला में ही कंसंट्रेट करने से कंपनी को प्रॉफिट्स आने लगा। अपना भाई का हेल्प भी लिया ग्रिस कैंडलर ने मार्केटिंग में, और समर भी आने से सेल्स बढ़ गया और कैंडलर ने कोको कोला ट्रेडमार्क भी रजिस्टर कर दिया। पहली बार मार्केटिंग स्ट्रेटजी से बिजनेस डेवलप करना वर्ल्ड को प्रूव करके दिखाया कोको कोला ने। इसके दौरान कैंडलर पहले कोको कोला ड्रिंक सभी को आदत करने के लिए शुरू में फ्री ड्रिंक्स भी सप्लाई किया और उन दिनों के फेमस म्यूजिक हॉल परफॉर्मर से प्रचार कराया, जिससे कोको कोला का सेल्स आसमान को छूने लगा। शुरू में कोको कोला बनाने से भी मार्केटिंग में ज़्यादा पैसे लगाए। कोको कोला का फर्स्ट कोटेशन ए डिलाइटफुल समर और विंटर बेवरेज और ओल्ड मोस्ट रिफ्रेशिंग ड्रिंक पंचलाइंस से कोको कोला वर्ल्ड में फेमस हो गया। बाद में कनाडा में भी ब्रांच शुरू किया, लेकिन बिजनेस करना मुश्किल होने से अपना लाइसेंस बेचना शुरू किया। ऐसा धीरे धीरे कोको कोला पूरा दुनिया में फैलने लगा। 1999 में कोको कोला टिन कैंस और बॉटल्स में आने से सेल्स और बढ़ गया और कई बिजनेस पीपल लाइसेंस परचेज करके कोको कोला को अपनाने लगा। उस समय कोको कोला रेसिपी फॉर्मूला छुपाना मुश्किल होने से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अटलांटा के एक बैंक वॉल्ट में इसको रखा और इंश्योरेंस भी कराया। 1967 में रेडियो प्रोग्राम्स को स्पॉन्सर करते हुए कोको कोला न्यू एडवर्टाइजिंग टेक्निक्स वर्ल्ड को सिखाया। 1928 के ओलंपिक्स को स्पॉन्सर करने से कोको कोला अपना सेल्स बढ़ाने के साथ साथ वर्ल्ड फेमस ड्रिंक बन गया। बाद में अमेरिकन आर्मी को वॉर टाइम में कोको कोला सप्लाई करने को कहने पर कोको कोला कंपनी छोटे बॉटल्स तैयार कर आर्मी को वेयर देर इज कोक देर इज हॉस्पिटैलिटी टैग के साथ सप्लाई किया। 1978 में फर्स्ट टाइम पेट बॉटल्स और 1982 में डाइट कोक इंट्रोड्यूस होने से कोको कोला नाम कोक बन गया। सेलिब्रिटी प्रमोशंस के लिए कोको कोला कंपनी कोलंबिया पिक्चर्स परचेज किया, जिसके पहले पिक्चर को ही ऑस्कर अवार्ड मिला। 1957 में इंडिया में पूरे ड्रिंक बिजनेस शुरू किया, जिसमें कई बिजनेस पीपल इन्वॉल्व होने से और गवर्नमेंट रूल्स के कारण भी इंडिया में बिजनेस करना मुश्किल हो गया। 1977 में फॉरेन कंपनी इंडिया में 100% इन्वेस्टमेंट से बिजनेस नहीं कर सकते हैं रूल के कारण कोको कोला इंडिया में बंद हो गया। और फिर पीवी नरसिम्हा राव रूल्स रिवाइज करने से 1993 में कोको कोला इंडिया में री एंटर किया। आते ही थाउजेंड्स ऑफ पीपल को जॉब देकर ताजमहल के पास अपने एम्प्लॉयज से परेड ऑर्गेनाइज किया। ऐसा 128 ईयर ओल्ड की कोको कोला अभी भी लोगों के मुंह और मन में भी जी रही है, और अब भी उसका रेसिपी सीक्रेट ही है जो मिलियन डॉलर सिक्योरिटी से रखा गया। See you again with a new topic in Global Encyclopedia. Till then, take care and have a nice day.